अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मोशन और फोर्स के बारे में। सबसे पहले जो मोशन की अगर आप बात करें तो आपके पास कोई भी मूवमेंट जो है वहां पे आपके पास कोई भी हरकत जहाँ पे हो रही है वो मोशन है। लेकिन अगर वो मोशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है तो वहां पे फोर्स और मोशन का रिलेशन बन जाता है। जैसे सिंपली आप देखो, जब आप झूला झूलने जाते हैं तो पीछे से आपको कोई पुश देता है तो वो एक फोर्स है, और उस फोर्स के रिएक्शन में आपकी जो मूवमेंट है वो फोर्स और मोशन का रिलेशन क्रिएट कर रही है। सिंपल जैसे यहाँ पे आप देखें कि एक पेंडुलम, अगर उसके डायरेक्शन को मूव कराया गया है तो क्या है, वो फोर्स की वजह से सेट को मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखें कि अगर आप के पास हम बात करें पुश की, क्या आप फोर्स इज सिंपली पुश और अ पुल। अ फोर्स है बोथ साइज एंड डायरेक्शन, ठीक है, कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें साइज और डायरेक्शन भी मौजूद होती है। इसमें धक्का देना भी होता है और खींचना भी होता है। जैसे हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं उसकी वजह से भी उसमें मोशन क्रिएट हो रही है, किसी चीज को हम खुद से धक्का दे रहे हैं तो वहां पे भी मोशन क्रिएट हो रही है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें साइज भी होती है। बास टाइम कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। एक इंसान अगर उसको मूव कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता। सपोज कर ले आपको एक बेड को मूव कराना है तो आप नहीं करा सकते, उस वक्त तक आप मूव नहीं करा सकते जब तक उतनी फोर्स ना हो जो उसको इजीली मूव करा सके। हाँ, दो तीन लोग मिल जाएं तो उस बेड को इजीली मूव करा लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आप उस पे साइज या चीज का साइज क्या है और आप उस पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर बास टाइम इस तरह हो कि एक जो है उसी बेड को जो है एक तरफ से खींच रहा है जबकि दूसरी उसी बेड दूसरा जो है उसी बेड को दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर वो दोनों सेम उसके एज के ग्रुप के नहीं है और एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि एक की फोर्स ज्यादा है एक की कम है, तो जिसकी फोर्स ज्यादा होगी चीज उसकी तरफ ड्रैग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेट फोर्सेस की। नेट फोर्सेस क्या होती है? नेट फोर्सेस का मतलब है टोटल जो फोर्स किसी भी चीज पे अप्लाई हो रही है व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर कंबाइंड। कि अगर हम कहते हैं कि दो फोर्सेस किसी एक चीज पर अप्लाई हो रही हैं तो उन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव होती है फोर्स मैग्नीट्यूड में। नहीं, फोर्स मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं होती, यानी ये नहीं कह सकते कि हम फोर्स जीरो है, फोर्स समथिंग कुछ ना कुछ होगी। अगर फोर्स जीरो होगी फिर तो इसका मतलब वो चीज मूव ही नहीं कर सकती ना। अगर हम कहें कि वो नेगेटिव है इट मींस कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जी, अब यहाँ देखें कि मैंने क्लियरली आपको दिखाया कि जब हम दो फोर्सेस को ऐड करते हैं, दो फोर्सेस सेम साइज की और सेम वैल्यू की अगर उनको एड अप करें और सेम डायरेक्शन पे हो तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर आएगा। बट इफ फोर्सेस डिफरेंट हो और एक्ट करें डिफरेंट डायरेक्शन में तो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा जो ज्यादा बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ देखें कि यहाँ पे आपको यहाँ से कलर डिस्क्रिमिनेशन से आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे भी रेड कलर है, साइज सेम है, तो आगे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास जो रिजल्ट आया वो इक्वल आ गया बिल्कुल। जबकि आप जब दूसरी फोर्स की बात करें जहाँ पे आपके पास क्या है कि एक जो रेड कलर का है वो ग्रेटर है जबकि जो ब्लू कलर का है वो स्मॉलर है, और रेड कलर इस तरफ डायरेक्शन में है जबकि ब्लू कलर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर हम सपोज कर लें ब्लू कलर जो है वो इतने साइज का है, इट मींस कि इतना कैंसिल हो जाएगा और बाकी इतना जो है रेड कलर का साइज बच जाएगा, तो एंड में हमारे पास रेड कलर का रिजल्ट आ गया। सेम यही एग्जाम्पल, यही जो आप करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को मिला के इसके नेट रिजल्ट की एक एक गेम आप खेलते हैं जिसे आप हमारी लैंग्वेज में रस्सा कशी कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं उसमें, जिसमें आप रोप जो है उसको मूव कराते हैं और बहुत सारी टीम एक तरफ एक टीम में होते हैं बहुत सारे लोग और दूसरी तरफ दूसरी टीम में, और टीम के स्ट्रॉन्ग होने पर डिपेंड करता है कि हमारे पास वो जो मूवमेंट है वो किस तरफ जाएगी। चलें जी, अब हम आ जाते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस पे। अनबैलेंस फोर्सेस वो होती हैं व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। क्या हम उस पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट वो जीरो नहीं है और उनका जो प्रोडक्ट है वो चेंज प्रोड्यूस कर रहा है उनकी मोशन में। जबकि बैलेंस फोर्सेस वो होती हैं जब नेट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो, दिस डू नॉट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन। अब ये क्या है,
कि वहां पे मोशन में चेंज नहीं होती। जैसे आप देखेंगे यहाँ सिंपल एक सीसा आपको दिखाया हुआ कि क्या कर रहे हैं कि वो एक एक तरफ से जितनी फोर्स लगा रहा है दूसरा उतनी तरफ से फिर फोर्स लगा रहा है, तो वो मूवमेंट तो क्रिएट हो रही है लेकिन जस्ट वापस अपनी ही जगह पे आ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सेंटर में मौजूद होते हैं, अगर दोनों जो हैं इक्वल बैलेंस पे आ जाए तो वो सेंटर में आके रुक जाएंगे, फ्लाई मतलब आप उसको कह सकते हैं वो एयर में ही लिफ्ट कर जाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी, वो आपके पास होगी बैलेंस फोर्सेस की। और जिस वक्त एक साइड डाउन होती है और एक साइड अप होती है, इट मीन्स कि वहां पे फोर्स क्या हो रही थी, वहां पे फोर्स अनबैलेंस हो रही होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें तीन लॉज ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ जो था वो हमारे पास क्या था, वो कहते हैं कि व्हेन नो आउटसाइडर फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि एक बॉल है वो रुकी हुई है, और वो कहते हैं कि अगर इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये मूव नहीं कर सकती। अब जैसे सपोज आपके पास आपका मोबाइल पड़ा है लेकिन वो आप थोड़ा दूर पड़ा है, आप फोर्स अप्लाई नहीं करते और आप कहते हैं कि ये मोबाइल आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो किसी को उठा के आपके पास लाना पड़ेगा या आपको खुद जाके उसको उठाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है, वो कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को मूव करा दें विद नो आउटसाइड फोर्सेस दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप। कि एक बॉल जो है वो मूव कर रही है, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि बॉल मूव कर रही है और वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब आपको पता है कि ये जो एयर होती है, एयर भी जो है ना ये भी एक फोर्स है, तो जब हम बॉल को हवा से गुजारते हैं तो एयर जो है वो उसको रोकती है, लेकिन अगर हम वहां से एयर जो है वो रिमूव कर दें और वैक्यूम पैदा कर दें, जैसे आपके पास खला में मौजूद है कि वहां क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, चीज जिस मूवमेंट से मूव कर रही थी उस मूवमेंट से मूव तब तक करती रहती है जब तक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोके ना। ठीक है, अब सेकंड क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या करती है, वो किसी भी मास के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है कि जो भी हमारे पास एक्शन है उसका रिएक्शन होता है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। हाँ जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट and an object in a motion tend to stay in motion unless acted upon by any unbalanced force। के क्या है कि उस पे जब तक कोई भी unbalanced force चीज पे apply नहीं होगी, अगर वो चल रही है तो वो चलने की condition में रहेगी और अगर वो rest में है तो rest condition में रहेगी, उस वक्त तक जब तक कोई external force जो unbalanced हो वो उस पे apply ना हो। अब यहाँ देखिए कि आपके पास वो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की एग्जांपल दे रहे हैं, वो फर्स्ट कंडीशन पे वो कह रहे हैं कि इक्वल फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस फोर्स है और ट्रक क्या है, एक जगह पे ही खड़ा रहेगा, वही मौजूद रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जबकि दूसरी पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो दूसरी पिक्चर में वो ये बता रहे हैं आपके पास सिंपली कि अगर आपके पास ट्रक के ऊपर मूवमेंट कराएंगे और एक तरफ 100 न्यूटन की फोर्स है जबकि दूसरी तरफ 60 न्यूटन की फोर्स है, इट मींस कि ट्रक जो है वो मूव करेगा अलोंग द 100 न्यूटन फोर्स बाय, जब हम 60 न्यूटन फोर्स को उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जो 40 न्यूटन फोर्स बचेगी वो उस पर अप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये आपके पास एरो की डायरेक्शन जो है, जो आपके पास ऐसे स्काई से कलर में एरो नजर आ रहा है, इसकी डायरेक्शन शो करेगी कि ट्रक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि उसके बॉडी में या मास में चेंज नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब मास जो है हमारे पास केजी में मेजर होता है। ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी चीज है उसकी जो मेजरमेंट है कि वो कितनी है वो उसका मास कहलाता है। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब हाउ मच इट विल रेजिस्ट टू चेंज टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि वो हमें ये बताता है इनर्शिया के इस बॉडी को मूव करने के लिए कितनी फोर्स क्रिएट होगी। इसकी सिंपल आप एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर आपके एक छोटा बच्चा है, एक टेबल उसके सामने पड़ी है, वो उसको मूव नहीं करा सकता क्योंकि उस छोटे बच्चे की जो फोर्स है वो उसकी मास जो है, जो टेबल है टेबल के मास से कम है।
लेकिन वही अगर एक बड़ा इंसान या बड़ा अडल्ट जो है वो जाके उस टेबल को मूव कराना चाहे तो वो उसको मूव करा देता है, पुश और पुल कर लेता है। उसकी रीजन क्या है? जस्ट ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसकी रीजन जस्ट ये है कि उसका जो फोर्स है वो ज्यादा है उसके मास से। अब मास जो है वो इनर्शिया क्रिएट करता है, ठीक है? मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज द मीन मोर इनर्शिया द ऑब्जेक्ट विल हैव। कि अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया उसका ज्यादा है। सपोज अगर आपके पास एक टेबल और बेड का कंपैरिजन कर ले, आपको पता है बेड हैवी होगा तो इसका मतलब बेड का मास ज्यादा होगा तो बेड का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो बेड को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जबकि टेबल को मूव कराने के लिए कम फोर्स चाहिए। बट इसकी ये देख लीजिए, ये कंडीशन है कि टेबल जो है वो भी छोटी होनी चाहिए बेड से। ये ना हो कि टेबल जो है वो बेड से बड़ी हो जाए और आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद कहें जी मैम ने तो गलत बताया था कि जो बेड है उस पे ज्यादा मतलब फोर्स लगती है और टेबल पे कम फोर्स लगती है। ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में मास जो है वो बिल्कुल उसके अंदर रिलेट कर रहा है। ठीक है जी, न्यूटन सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं वो इक्वल होती है मास इनटू टाइम एक्सेलरेशन के, ठीक है? एफ इज इक्वल टू एम ए। अब सिंपली आपको पता है कि कोई भी चीज मूव इस तरह करेगी जितना उसका मास होगा वो, और मूव करेगी विद एक्सेलरेशन उसके प्रोडक्ट के साथ। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब फोर्स जो है उसको मैयर हम करते हैं न्यूटन में। अगर यहाँ आप देखें न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, ठीक है? और अगर हम अर्थ की बात करें, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वहां तो सिंपल एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे आपके पास सबसे पहले बात के जो दरख्त से नीचे सेब गिरता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट तो याद होगा, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट में जब ये एप्पल नीचे गिर रहा था और यहीं पे ये न्यूटन सेकेंड लॉ दरियाफ्त हुआ था कि उसने ये सोचा कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। तो नीचे की तरफ उस पर एक्ट करने के लिए उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही थी जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया था। और इस एक्सलेशन के उसी यहाँ पे एक्सलेशन को ए से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो ए को रिप्लेस कर दिया जाता है जी के साथ, ठीक है? तो जी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है, यानी एक्सलेशन ऑफ द ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब वो कहते हैं वेट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? जब हमारे पास उसकी वेट की हम बात करें किसी भी चीज का, कि वेट क्या होगा, या वेट जैसे अगर सपोज हम होते हैं तो हमारी वेट का या हमारी फोर्स कितनी होगी, तो हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटी से, तो पता चल जाता है कि हम इस जमीन पे इतनी फोर्स या इतनी अर्थ पे फोर्स डाल रहे हैं। सिंपल इसका अगर आप देखें, आपके पास बास टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ ऐसे एडवांस शोरूम्स हैं जिसमें बिल्डिंग के ऊपर जाके और गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, तो उस बिल्डिंग के ऊपर जाके जब गाड़ियां खड़ी करनी होती है तो उसमें फिर इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो तो वो उस पे मास तो ऑलरेडी एक्ट करेगा चीज का, उसके साथ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करेगी तो वो भी उसको एक्ट करेगी, जिसकी वजह से चीज का जो मास है वो थोड़ा सा इंक्रीज फील होता है। तो ये जो चीज है ये इसी वजह से होती है कि ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींच रही होती है और वहां पे हमारे पास वेट जो है एज अ फोर्स एक्ट कर रहा होता है, यानी वेट जो है जमीन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। जी तो अब यहाँ देखें कि अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ए किसके इक्वल होगा, एफ ओवर एम के, ठीक है? अगर हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी सिंपल आप एग्जांपल अगर आपको हम कहें कि हमारे पास जैसे एक एलिफेंट है या एक माउस है, कि माउस का क्या है, मास कम होता है तो उसका जो एक्सलेशन है मूवमेंट है वो उसकी ज्यादा होती है, जबकि उसकी उसके कंपेयर टू एक अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का मास बहुत ज्यादा होता है, सॉरी माउस का जो मास होता है वो कम होता है तो उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, जबकि इसलिए उसका एक्सलेशन ज्यादा होगा। जबकि जो हमारे पास एलिफेंट है, एलिफेंट का जो है मास बहुत ज्यादा होता है, तो मास ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका एक्सलेशन जो है वो कम हो जाएगा, यानी मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के।
मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, फोर्स ज्यादा होगी तो चीज की मूवमेंट ज्यादा होगी, फोर्स कम होगी चीज की मूवमेंट कम होगी, लेकिन अगर मास ज्यादा होगा तो चीज की मूवमेंट कम होगी, अगर मास कम होगा तो चीज की मूवमेंट ज्यादा होगी। तो फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, जबकि मास का एक्सेलरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। जी अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हमें भी पता है कि कोई भी अगर काम करें उसका रद्दअमल होता है, अमल का रद्दअमल जरूर होता है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। अब बुक के नीचे से अगर सडनली टेबल को रिमूव कर दीजिए, बुक डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ मूव करेगी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बुक है हमारे पास रिएक्शनरी फोर्स है किसी भी टेबल के ऊपर, जबकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन बुक एंड अर्थ वो जो है हमारे पास क्या है, एक्शन है। एक्शन जो है वो अर्थ की अट्रैक्शन है, जबकि जो बुक उसके ऊपर पड़ी है वो हमारे पास रिएक्शन के तौर पे काम करेगा। अब वो कह रहे हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और अगर चीज को स्टेबल करना है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लाजमी होना चाहिए। जी इसी तरह ये देखें कि एक्शन और रिएक्शन का अगर डिफरेंट मासेस के लिहाज से देखें तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम एक, आपने ये पीसा का मीनार का तो आपने बहुत ज्यादा जिक्र सुना होगा कि ये वो बिल्डिंग है जो तिरछी थोड़ी सी बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जाके चीज को गिरते हुए आसानी से देखा जा सकता था। तो न्यूटन ने एक पत्थर को और एक फीदर यानी पर को इकट्ठे सेम टाइम पे गिराया, और उसने देखा कि ये जब नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं तो पर जो था वो हवा की लिफ्ट की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता था और वो थोड़ा सा डिले टाइम पे गिरा, जबकि जो हमारे पास पत्थर था वो जल्दी गिर गया। उसकी रीजन क्या थी, उसका मास ज्यादा था। अब वो कहते हैं कि एक्शन ऑफ अर्थ पुल्स ऑन यू ऑन डाउनवर्ड टू द अर्थ, जबकि रिएक्शन क्या है, यू पुल ऑन द अर्थ, के हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद है, एक्शन भी हो रहा होगा और अर्थ की तरफ से रिएक्शन भी हो रहा होगा। इसी तरह इसका एक एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट को जब वैक्यूम क्रिएट करके किया गया तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया और एक तरफ से ईंट छोड़ी और दूसरी तरफ से पर छोड़ा तो वो दोनों सेम टाइम पे आके नीचे जमीन पे गिरे, जिसकी वजह से ये लॉ जो है हमारे पास डिस्क्राइब हुआ था। सेम इसी तरह अगर मूवमेंट देखें इस गाड़ी की तो क्या है कि जो हमारे पास एक्शन है वो क्या है, जो हमारे पास टायर जो है वो पुश करते हैं रोड को बैकवर्ड, और रिएक्शन क्या है, रोड पुश करता है टायर्स को फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास गाड़ी आगे मूव करेगी, अगर ये एक्शन और रिएक्शन ना हो तो ये गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी, स्टिल जगह पे मौजूद रहेगी। इसी तरह अगर आप देखें कि रिएक्शन क्या है हमारे पास इस रॉकेट का चांद में पहुंचने पे, ये जो इसके अंदर गैसेस होती हैं जो बर्न कर रही होती हैं वो उसको आगे की तरफ धक्का दे रही होती हैं। ठीक है, गैसेस पुश द रॉकेट। ठीक है, एक्शन क्या है, रॉकेट पुश ऑन गैसेस, कि रॉकेट भी एक फोर्स लगा रहा होता है गैसेस पे, ये क्या हो जाती है, ये उसकी पुश को शो कर रही होती है कि ये किस तरह से मूव करेगा। आपकी सिंपल क्रेन एग्जांपल, आपने कभी बैलून के अंदर हवा डाल के अगर छोड़ा हो तो क्या होता है, हवा जो है उसको पीछे की तरफ मूव कर रही थी और बैलून जो है वो आगे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्शन होता है वो एयर जो है वो रश आउट जो कर रही होती है, एयर जो बाहर आ रही होती है वो हमारे पास क्या होता है, एक्शन होता है, और उसके रिएक्शन के तौर पे बैलून जो है वो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ मूव करता जाता है। क्लियर है जी। अब आ जाए टेंशन पे, जहाँ पे हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस की बात में हमारे पास टेंशन भी आती है। टेंशन भी वन टाइप ऑफ फोर्स ही है, बट टेंशन हम कह सकते हैं, टेंशन वो फोर्स है जो हमारे पास किसी भी मास के ऊपर मास की वजह से क्रिएट होती है। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें टेंशन आपको लफ्जी अगर मतलब समझ है तो एक तनाव खिंचाव। ठीक है, तो इसी तरह टेंशन जो है अगर हम किसी रोप के साथ किसी मास को टांग दे तो जो उस थ्रेड में खिंचाव पैदा होगा वो हमारे पास टेंशन फोर्स है। ठीक है, यहाँ देखें कि आपके पास एक जो मास है उसको हुक के साथ लटका दिया गया और टेंशन फोर्स क्रिएट हो रही है। अब टेंशन फोर्स को टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स और ग्रेविटी फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी इस डायग्राम में, वो इसलिए कि टी जो है वो हमारे पास अपवर्ड है कि ऊपर से उसको खींच रहा है, जबकि जी क्या है वो डाउनवर्ड है, वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है।
अगर ये रस्सी जो है मजबूत है, अगर ये रस्सी ढीली है तो फिर एक्सेलरेशन, सॉरी, जो ग्रेविटी है वो ज्यादा एक्ट कर जाएगी। अब इसका जो फार्मूला है वो इक्वल टू हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाई जी के। अब जी की वैल्यू आपको पता है क्या है, 10 kg अगर वेट के ऊपर जी की वैल्यू अप्लाई की जाए, 9.8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 98 न्यूटन आ जाएगा। तो टी जो है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम ए के, यानी हमारे पास एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी आ जाएगा और साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है जब वो अपवर्ड कंडीशन में मूव कर रही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सिंपल हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं टेंशन की वो होती है फीलिंग ऑफ वर्किंग टू मीट एंड एस्टेब्लिश डेडलाइन। ठीक है, कि हमने पास टाइम एक डेडलाइन पे जो है काम करना होता है और हमें ये टेंशन हो रही होती है कि ओ ये काम हमें उससे पहले करना है, उससे पहले करना है, तो वो फीलिंग्स जो है वो हमारे पास एक टेंशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह और एग्जाम्पल अगर देखें, ये हमारे पास रियल लाइफ में एग्जाम्पल है, बट अगर हम इसको फिजिक्स के उसमें देखें तो हमारे पास यही चेंज हो जाती है। सिंपल अगर हम टेंशन को देखें तो पुलिंग द टू एंड्स ऑफ आर रबर, ठीक है, रबर बैंड फर्दर एंड फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे अगर आपके हाथ में एक रबर बैंड है उसको आप खींचते जाएं खींचते जाएं खींचते जाएं, एक टाइम आएगा वो टूट के या तो आपके हाथ पे लगेगा या आपके हाथ एक हाथ से छूट के दूसरे हाथ पे लग जाएगा, वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, और वहां पे ये जो उसमें खिंचाव पैदा हो रहा होगा वो क्या हो रही होगी, वो टेंशन होगी, वो जो उसके अंदर इलास्टिसिटी जितनी मौजूद है, और एक लेवल आएगा जहां पे वो टूट जाएगा तो वो इसका अंदर टेंशन ब्रेक हो गई है, इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो कोई भी दो लोग अगर बात करें और उनके बीच रिएक्शन मतलब इस तरह से बात क्रिएट हो गई कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो वहां पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब चीजें एग्जांपल हैं टेंशन की। अब वो टेंशन जो है वो असल में फोर्स को शो कर रहा है कि एग्रेसिव फन वो एक फोर्स है। अब लॉ ऑफ टेंशन की बात करें तो वो कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांस वेरियस वाइब्रेशन ऑफ अ स्टैंडिंग स्ट्रिंग इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन टी एग्जर्टेड ऑन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द वाइब्रेटिंग लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ एम आर कैप्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, कि मास हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा जबकि टेंशन क्या होगी, हमारे पास टी का स्क्वायर रूट होगी एल के अलोंग के लेंथ कितनी है। ठीक है, अब आप आ जाए फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है रगड़, रगड़ने की ताकत। ठीक है, अब जब हम किसी भी चीज को मूव कर रहे होते हैं, घसीट कर रहे हो, घसीट रहे होते हैं उठाए बगैर, पुल किए बगैर, तो वो वहां पे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है। जब हम किसी चीज को अपसाइड पे उठा लेते हैं तो वहां पे भी एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रही थी, जो एयर रेजिस्टेंस है वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होती है। हम कहते हैं फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ अ सॉलिड सरफेस फ्लूइड लेयर, ठीक है, एंड मटेरियल एलिमेंट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो मूव कर रही है और उसको मूव करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है, उसकी रीजन क्या है कि वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल देखें तो हमें पता है कि जो मटेरियल्स और जो फ्लूइड होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर मौजूद होते हैं, तो वो लेयर जो एक लेयर को दूसरी लेयर की तरफ खींच रही होती है तो वो उसकी क्या है, फ्रिक्शन को उस पे एक्ट करा रही है, एक लेयर की दूसरी लेयर के ऊपर मूवमेंट जो है। इसी तरह अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो एलिमेंट जो भी स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, वहां पे हमारे पास क्या होता है, वहां पे हमारे पास मटेरियल्स जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। अब हमारे पास फोर टाइप्स हैं फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं आइस स्केटिंग आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है। रोलिंग फ्रिक्शन है जो आपके पास बाउलिंग होती है, ये जिसको आप ये गेम्स में भी जाके अक्सर बॉटल सामने रख के उसको बॉल मारते हैं तो वो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है एयर और लिक्विड्स में जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं, एयर और वाटर रेजिस्टेंस एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन में आती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, कि चीज जब रुक रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनिशियल फ्रिक्शन व्हेन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, के हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम क्या करते हैं उसको रोकने के लिए उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जो क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको रोकने के लिए। इसके एक और एग्जांपल देखें तो कहते हैं कि अगर बुक मूव कर रही है किसी भी डेस्क पे तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, कि वो जो है रगड़ की कुव्वत है लेकिन वो स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है। और इसी तरह जब हम राइड ले रहे होंगे एक बाइसिकल पे तो हमारे पास कंटेंट के
The content between the wheel and the road is the example of rolling friction. के wheel क्या कर रहा होता है, गोल गोल move कर रहा होता है और cycle आगे की तरफ जाती है. तो road और जो wheel है उसकी गोल movement के दरमियान ये जो movement होती है, ये sorry जो force act कर रही थी, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है rolling friction. जी, what is the centripetal force? अब अगर हम centripetal force की तरफ आ जाएं, तो जिस तरह हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू की बात की थी कि फ्रिक्शन भी क्या है, टेंशन क्या है, टेंशन टाइप ऑफ फोर्स है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन टाइप ऑफ फोर्स है, इनर्शिया क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम वहां पे बात करते हैं जहां पे भी हमारे पास सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रही होती है. इसके लिए कंडीशन है कि एक मोशन क्या होगी, हमारे पास सर्कुलर होगी. अब अगर हमारे पास फोर्स की बात करें हम, तो कहते हैं नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन क्रिएट होगी, वहीं पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगी. अब सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन भी इसी तरह होता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी वी एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ इट्स पाथ. ठीक है, कि उसकी जो सेंटर है उसकी तरफ मूव करते हुए एक एक्सेलरेशन को वह एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला दिखाया है, एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर आर के. ये हमारे पास होता है लीनियर के लिए, लेकिन जब इसको इसी एक्सेलरेशन को हम मूवमेंट में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन में तो हमारे पास एंगल आ जाता है या हमारे पास मेगा आ जाता है. यहाँ देखें कि आपके पास क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ को अगर हम देखें, हम कहते हैं ए क्या था, ए हमारे पास इक्वल टू था एफ ओवर एम के. अगर हम यही इक्वेशन जो है इसकी जगह हम लोग वैल्यू पुट कर दें एक्सेलरेशन की, जो अभी हमने यहाँ पीछे फाइंड की थी, तो ए की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि एफ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए है, तो हमारे पास मास जो है वो वी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास वो है कि अगर हम बात करें, वी कैन शो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी हैज द मैग्नीट्यूड एफ सी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर. अब जब हम एंगुलर मूवमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए. ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ओमेगा की बात करें, सिंपल ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हाँ, यहाँ पे अगर हम इसकी वी के स्केयर के लिए वैल्यू पुट करें वी की, तो हमारे पास सर्कुलर मोशन में होता है, कहते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ equivalently if omega is the angular velocity then because angular velocity v जो है वो हमारे पास change हो जाएगा r omega में, तो v की जगह r omega की value put कर दें तो r square omega square हो जाएगा, r जो है नीचे वाले r से cancel हो जाएगा तो ऊपर एक single r बच जाएगा, तो fc हमारे पास equal to आ जाएगा m r omega square के. fc c जो है वो centripetal force को represent करता है, ft जो है वो tension force को represent करता है, और एफ जी जो है वो हमारे पास इसको एफ जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जिस तरह हमने हर चीज के बारे में बात की, तो इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल हमारे पास 1686 में आइज़ैक न्यूटन ने पब्लिश किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसने एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमारे पास फोर्स होती है ग्रेविटी की, वो अट्रैक्शन की है, कभी भी ये रिपल्शन की नहीं हो सकती, ये हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स हो. अगर ये हमारे पास रिपल एक लेयर एक लेवल आएगा, उस लेवल के बाद ये फोर्स जो है हमारे पास खत्म हो जाएगी, वरना जमीन से ऊपर आप जितना भी ऊपर चले जाएं, आप चीज ने आपने गिरना जमीन की तरफ है. लेकिन हाँ, जब आप एक सडन लेवल से बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद जो है वो फोर्स एक्ट करना ही खत्म कर देगी, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम. जब आप जिसे खला कहते हैं, हम लोग आम लफ्जों में खला कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, स्पेस कहते हैं, जिससे आप लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं तो आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती. ठीक है, अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या था, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स directed along the line of center of centers for the two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between the two objects. अब अगर देखें हम यहाँ पे हम बात करें, एक m1 एक मास है, m2 दूसरा मास है, इन दोनों के दरमियान एक इंट्रेक्शन होगी जो कि सेंटर के डिस्टेंस r के
स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी विच इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो जी है, अगर आप देखें कॉलम्स ला आपकी चपट चुके हैं, कॉलम्स ला जो आपके पास होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू k into q1 q2 over r square। अब ये जो k और q1 q2 charges थे, k जो है वो constant था, अब वो एक constant जो है k की जगह g से change हो गए क्योंकि gravitational constant आ जाएगा, r जो है वो distance है, f of g is the gravitational force है, जबकि m1 m2 are the masses of two objects हैं, r is the separation है between the object, g क्या है universal gravitational constant है। ठीक हो गया जी। अब अगर आप देखें कि हमारे पास, हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो ये आपके पास यही जो सेम फार्मूला है, यहाँ पे हम अर्थ की ग्रेविटेशनल किसी चीज के अगेंस्ट फाइंड करेंगे, तो अर्थ क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी चीज है तो हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, जबकि चीज का मास हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपली यहाँ देखें कि वेट इज इक्वल टू एफ जी, यानी कि जो वेट होगा वो एफ जी के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू एम ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि g कैपिटल m ओवर r का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी एम जी वैल्यू। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मास था कैपिटल m, वो हमारे पास मास ऑफ अर्थ था, जो स्मॉल m था वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट था। अब r क्या था, हमारे पास रेडियस था अर्थ का, जबकि जी क्या था, हमारे पास एक्सलरेशन था ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द अर्थ सरफेस। अब जी आपको पता है हमेशा क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब जब हमने जी के अगेंस्ट मूव करना है तो हमें उसके नेगेटिव फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उससे दूर जाने के लिए। जैसे आप देखें कि हवाई जहाज को ऊपर जाने के लिए जो है इंजन को ऑन रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो ऊपर की तरफ मूव कर सके, लेकिन जब उसको नीचे गिरना है तो जस्ट वो उसको बंद कर दे तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो बाहर की तरफ मूव कर सके, तो ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी। अब आपके पास आ गई असाइनमेंट। असाइनमेंट आपने ये करना है कि ये जो पूरा लेक्चर आपको दिया है इसकी एक तो आपने समरी बनानी है, दूसरा क्या होगा अगर हमारे पास कोई भी स्टैंडिंग स्केटबोर्ड होगा और स्लिपरी फ्लोर होगा और वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो पुल करेंगे, तो वहां पे हमारे पास क्या रिएक्शन होगा और क्या कौन सी फोर्सेज एक्ट करेगी, इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाई डज इट हर्ट सो मच व्हेन यू स्टब योर टो, कि हम जो है अगर अपना अंगूठा जो है वो किसी चीज के साथ टकरा देते हैं तो कौन सी फोर्स है जो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से हमारे टो में दर्द शुरू हो जाता है। अब एक न्यूमेरिकल है, देयर इज अ 10 केजी मास हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज जीरो। ठीक है, मास जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो एक स्टैंडिंग पोजिशन में है, उसका जो मास है वो 10 केजी है, तो वो पूछ रहे हैं कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। What is the difference between centripetal and centrifugal force? अब centripetal और centrifugal force आपके इस टॉपिक में कवर नहीं है और वो आप लोग खुद देखेंगे, नेट से सर्च करेंगे और देखेंगे कि वो क्या होती है, उसके बाद आप इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसकी कोई एग्जाम्पल देंगे ताकि वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, आप लोगों ने इसको क्लियर करके और लिख के सबमिट करवाना होगा डेडलाइन से पहले।